हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम न्यू वर्ड नहीं सीखेंगे। आज की वीडियो में हम 10 ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनको आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं और इजीली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बस आपको इन सेंटेंसेस को अच्छे से सुनना है एंड उसके बाद अपने डेली रूटीन में इनको ऐड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो गाइज। यस, योर फर्स्ट सेंटेंस इज डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कर लोगे, यू विल डू। तुम कर सकते हो, यू कैन डू। आप खुद को भी पुशअप कर सकते हैं, यू कैन डू। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू। और अपने फ्रेंड को भी कर सकते हो, डोंट वरी, यू विल डू। ओके, यस। थर्ड सेंटेंस इज मेरा सपना सच हो गया, माई ड्रीम केम ट्रू। मेरा सपना सच हो गया, माई ड्रीम केम ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज माय हेयर इज टेंगल्ड, मेरे बाल उलझ गए हैं। आप अपनी मम्मा को बोलते हो ना, माय हेयर इज टेंगल्ड, मेरे बाल उलझ गए हैं। माय हेयर इज टेंगल, हेयर के लिए इसका यूज करेंगे क्योंकि इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। तुम चुप क्यों नहीं बैठते, तुम चुप क्यों नहीं बैठते। व्हाई डोंट यू सिट क्वाइटली, व्हाई डोंट यू सिट क्वाइटली। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम सो हंग्री। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम हंग्री। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई एम फैमिश्ड। जब आप बोलेंगे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, देन यू स्पीक आई एम फैमिश्ड। और जब आप बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, तो आई एम हंग्री। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, अब मेरी तबीयत ठीक है। बेटर देन बिफोर, अब मतलब मैं पहले से ठीक हूँ, बेटर देन बिफोर। इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। व्हाट इज देयर टू लाफ, व्हाट इज देयर टू लाफ। अगर आपको सेंटेंसेस पसंद आए हैं और आप इनको डेली कॉन्वर्सेशन में ऐड करने वाले हैं और ऐसे सेंटेंसेस चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।